और छतरपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां कार और डंपर में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मऊरानी के रहने वाले हैं सभी घायल। बमीठा थाना इलाके की ये पूरी ही घटना है। तो छतरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डंपर और कार में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। वहीं 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी के मऊरानीपुर के रहने वाले हैं ये सभी लोग। तो डंपर और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 लोग जो है उन्हें जिला अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। तो छतरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डंपर और कार में भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें झांसी इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसके बाद झांसी रेफर किया गया है, और साथ ही 2 वाहन सवार जो है उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, डंपर और कार में भिड़ंत हुई है, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या है ये पूरा ही मामला? ये मामला बमीठा थाना अंतर्गत बसारी के पास का हादसा है। रात्रि के 1 बजे के लगभग आज मकर संक्रांति के कारण सारे जो मऊरानीपुर से कुछ गाड़ी वाले लोग आए, और उनको क्या है कि मऊरानीपुर से मैयर जाना था, जो कि मैयर 17 के अंदर है। उसी बीच में रात्रि के टाइम पे ये बसारी के पास में अभी पुल बन रहा है एक यहाँ पर एनएच का, उसी एनएच के पुल के पास डंपर आता है। डंपर अचानक वो गाड़ी वाले आपस में डंपर इनको कुचलता हुआ निकल जाता है, जिसके अंदर में 4 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, और जिसमें 3 को रेफर कर दिया जाता है और 2 का इलाज वर्तमान में छतरपुर में चल रहा है। वहीं बमीठा के थाना प्रभारी है, इनको सूचना मिलती है, वहां से ये मौके पर पहुंच के 100 डायल को बुलाते हैं और उनको वहां पर मौके पर मिलाते हैं। जो थाना प्रभारी से जो हमारी बात हुई हेमंत नायक जी से, उन्होंने ये बताया कि बोले अचानक ही इस तरह का हादसा होता है, जिससे कि डंपर सवार है जो चालक है वो मौके से भाग जाता है। क्या अनूप, कुछ कार्रवाई की गई है, मौके से फरार हुआ है, क्या गिरफ्तार किया गया है या एक्सीडेंट के बाद किसी पर कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक तो हाल फिलहाल में तो पुलिस विवेचना में लगी हुई है, वो डंपर चालक अगर पकड़ में नहीं आया है, और जिससे कि हाल ही में, लेकिन सबसे पहला थाना प्रभारी हेमंत नायक का काम था कि उन्हें पहले 100 डायल बुलाकर जो ऐसे एक्सीडेंट के थे, जो हाल जख्मी थी, जिनको तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उनको इलाज उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बुलाया गया, जिला चिकित्सालय भेजा गया, जिला चिकित्सालय से उनको तत्काल प्रभाव, जिसमें 4 तो मौके पे ही खत्म हो गए, 3 को मऊरानीपुर रेफर, झांसी रेफर किया गया, और 2 का उपचार वर्तमान में छतरपुर में चल रहा है। वो पहले का, अब वो पुलिस अब उसके बाद में जांच में जुट चुकी है। अनूप, जिन लोगों की मौत हुई है, क्या वो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे या फिर अलग अलग जगह से थे लोग? जी नहीं, ये सारे उत्तर प्रदेश मऊरानीपुर है, जो छतरपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश झांसी रोड पे ये मऊरानीपुर है जिला। इस जिले के लोग थे जो कि मैयर जाना था इनको, जो सतना जो छतरपुर होते हुए मैयर जा रहे थे ये लोग, उसी बीच में ये बमीठा से छतरपुर से 17 किलोमीटर दूर पर बसारी पड़ता है, क्योंकि वहां पर वर्तमान में एनएच का काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, डंपर और कार में भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 लोगों का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। नेशनल हाईवे पर यह पूरा ही हादसा हुआ है, डंपर ने कार को टक्कर मारी है और इसके बाद जो ड्राइवर है वो मौके से भाग निकला। तो छतरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं।